ये आज हम फिर शारदा नदी के किनारे आए हैं और आते ही हमें कुछ अलग सा यहाँ पे दिखा। तो ध्यान से देखने पर पता चला कि ये सैंड बैंक पर एक स्वैम्पडियर जो है मरा हुआ पड़ा था। एक बड़ा मेल स्वैम्पडियर है, आप देख सकते हैं, और पूरा घाव है उसके, एक बड़ा घाव जैसे उसको किसी ने मारा है और खाया है। पैरों के ऊपर एक बड़ा घाव है और उसके खाए हुए के पूरे निशान हैं। और कल जब हम यहाँ आए थे तो ये यहाँ नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा स्वैम्पडियर का हर्ड जो है वो यहाँ पे आया होगा और किसी प्रेडेटर ने, मोस्ट प्रोबेबली टाइगर ही हो सकता है क्योंकि और तो कोई प्रेडेटर लेपर्ड तो स्वैम्पडियर पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो एक बड़े मैजेस्टिक स्वैम्पडियर को मोस्ट प्रोबेबली टाइगर ने मारा है कल और कुछ हिस्सा उसका खाया है। अभी दिन में क्योंकि इस तरफ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वापस चला गया होगा ग्रासलैंड से होता हुआ जंगल की तरफ, या यही पास में घास के मैदान में छुपा होगा। हम अभी उसके पग मार्क्स खोजने की कोशिश करेंगे, अगर हमें पग मार्क्स मिल गए तो पूरा पता चल जाएगा कि किस तरफ से वो आया होगा। पर बीचों बीच नदी के बीचों बीच सैंड बैंक पे ये स्वैम्पडियर पड़ा हुआ है। बड़ा कोपल तो बड़ी दुखी हो गई उसको देख के, उसको लग रहा था कि अरे इसको क्या हो गया। पर ये तो जंगल का लॉ है कि एक जीव दूसरे जीवन जीव का भोजन है, और एक टाइगर के जिंदा रहने के लिए एक स्वैम्पडियर को मरना होता है। पर एक टाइगर इसको एक हफ्ते तक शायद खाएगा, एक हफ्ते का भोजन होगा ये कम से कम कोपल, और फिर उसके बाद और भी जीव इसको खाएंगे जैसे सियार या जैकल्स या वल्चर्स, वो सब भी इसको खाएंगे। तो जंगल का ये नियम है। और एक टाइगर भी जब तक वो भूखा नहीं होता है तब तक वो हमला नहीं करता है, शिकार तभी करेगा जब भूखा होगा। खूब ब्राह्मणी डक्स भी आज दिख रही हैं चारों तरफ, उनकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा शांत होंगी तो आप आवाज़ सुनिए। कुछ मेंढक के कूदने की, मछलियों की कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं, पर पूरा एक जगह एकदम शांत है और नदी के बीचों बीच ये स्वैम्पडियर मरा हुआ है। इतनी हिम्मत हमारी नहीं है कि रात में हम आए जब टाइगर इसके पास आएगा और अपना भोजन खाएगा, क्योंकि खुली जगह है तो शायद दिन में वो ना आए, वो मुझे लगता है जब सांझ ढल जाएगी तभी आएगा, कुछ कह नहीं सकते। पर बड़े दिनों बाद मैंने एक्चुअली शिकार एक पड़ा हुआ देखा है। वैसे हम स्वैम्पडियर की आज खोज कर रहे थे ग्रासलैंड में, और देखिए ये हमें कहाँ मिला और किस स्थिति में। देखिए हमें स्टोर्क्स दिख रहे हैं, ब्लैक नेक स्टोर्क्स, ऊपर ये मंडरा रहे हैं और हम शारदा नदी के किनारे जो ग्रासलैंड है उसके किनारे किनारे पूरा ट्रेल पे चल रहे हैं। ढेरों हमें हूफ मार्क्स दिख रहे थे। और ये देखिए, यरे कोपल, ये क्या है? ये तो एकदम टाइगर का पगमार्क लग रहा है ना? जी मैम, क्यों लोकेश यही है। सर, हाँ ये तो, अरे ये तो टाइगर का पगमार्क, जो हम टाइगर को ट्रेस करते हुए आ रहे थे कि किसने स्वैम्पडियर को मारा होगा, शायद उसकी हमें ट्रेल मिल गई है। इधर आगे चलें, देखें किधर से ये आया है। कोपल आइए, देखें कोई और आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये लगता है वापस ऐसे चढ़ा है, हैं? ये वापस यहाँ से चढ़ा है लोकेश वापस, तो यहीं आसपास इसी घास के मैदान में कहीं हो सकता है। मैम एक और मिला है, आइए देखें। वहाँ पे लोकेश सर बता रहे हैं कि बहुत ही क्लियर है वो। ये तो कल के ही हैं, लगता है कल रात को ही इसने उस स्वैम्पडियर का शिकार किया है और ये वापस आके इसी ग्रासलैंड में कहीं होगा। ये इधर जाने के है ना, और वो हमें ऊपर चढ़ने के थे वापस, तो ये यहीं पर कहीं होना चाहिए इस समय। ओह, तो हमने फाइनली वो ट्रेल ढूंढ ली है। अभी देखिए बस ये शारदा नदी के किनारे हम हैं और ये ग्रासलैंड्स हैं पीछे, ये पूरे लोकेश सर, विवेक सर, कोपल, सब लोग हम लोग ट्रेल ढूंढने की कोशिश में काफ़ी दूर तक आ गए हैं। सारे खेत जो है ख़त्म हो गए थे,
और जैसा मैं आपको बता रही थी कि शारदा सुहेली के बीच में पूरे घास के मैदान हुआ करते थे, तो ऐसे ही घास के मैदान उनके बीच में हुआ करते थे, और जो कि धीरे धीरे फार्मर्स ने उनको चेंज कर लिया। कोपल सबके हूफ मार्क्स जरूर दिखाइए, पूरे ये स्वैम डियर, नील गाय, स्पॉटेड डियर, पूरा सबका ये रास्ता है, इसी घास के मैदान में वो रहते होंगे, और सांझ के समय या सुबह सुबह वो लोग पानी पीने के लिए इधर आते होंगे। हम थोड़ा डर गए हैं इसलिए हम और आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइगर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसका किल भी पास में ही है और घास का नियरेस्ट मैदान उसके लिए छुपने की जगह यही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से मैंने देखा कि वो ऊपर चढ़ने के उसके पगमार्क्स बने हैं, तो वो वहीं कहीं ऊपर जो है पास में ही छुपा होगा, क्योंकि बहुत दूर तो वो नहीं जाएगा आपके किल, अपने किल से। और जैसे ही सांझ होगी मुझे विश्वास है कि वो पक्का उसको खाने के लिए आएगा, क्योंकि लगता है उसने रात में ही, कल ही उसको मारा है या आज सुबह, हो सकता है क्योंकि कल तो हम यहाँ आए थे वो वहाँ नहीं था, तो लगता है आज सुबह ही सुबह उसने उसको मारा होगा, और वो क्योंकि दिन में ह्यूमन एक्टिविटी हो जाती है, इस वजह से वो घास के मैदान में छुप गया होगा, और वो जल्दी ही मुझे लगता है शाम होते ही उसको खाने के लिए आएगा।